नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है वृश्चिक राशि वालों। दोस्तों अब आप सभी के जीवन काल में खुशियों का महायुद्ध छिड़ने वाले हैं। जी दोस्तों, बहुत जिलिए संकट भरी जिंदगी, अब संकट मोचन हनुमान आप सभी के संकटों का निदान करने वाले हैं। जी दोस्तों, हम आप सभी को बता दें कि भगवान हनुमान जी के आशीर्वाद से यश में बहुत ही दुर्लभ संयोग का निर्माण आप सभी के जीवन काल पर होने वाले हैं और दोस्तों इनका प्रभाव आने वाले 7 दिनों में बहुत ही जोरदार आप सभी के जीवन काल में देखने को मिलेंगे। जो दोस्तों आने वाले 7 दिनों में जो भी ग्रहों की स्थिति है, जो भी हनुमान जी के आशीर्वाद से बदलाव होने वाले हैं, दोस्तों आप सभी के जीवन काल को पूरी तरह बदल कर रख देंगे। बशर्ते दोस्तों यश में आपको छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना होगा, कुछ कार्यों को करने से बचने होंगे कि दोस्तों बहुत बड़ी उपलब्धि में एक छोटा सा भी विघ्न आ जाए तो दोस्तों वह कार्य गलती साबित हो जाता है। तो दोस्तों ऐसे में हमारा आप सभी से बस यही निवेदन है कि दोस्तों आज के इस वीडियो को आप अंत तक देखिएगा, कि दोस्तों इस वीडियो में वह सभी जानकारियां हैं जिन्हें करके आप यश में बहुत ही बड़ी उपलब्धि को हासिल कर सकते हैं, इन्हें करके आप अपने जीवन काल में बहुत बड़े नुकसान होने से भी बच सकते हैं। तो दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है, साथ ही यश में अगले 7 दिनों में कौन सी बड़ी खुशखबरियां आपको मिलने वाली है, कौन कौन सी बड़े चमत्कार हनुमान जी के आशीर्वाद से आप सभी के जीवन काल पर होने वाले हैं। तो दोस्तों अंत तक देखिएगा, उससे पहले दोस्तों जो भी महाबली हनुमान जी के सच्चे भक्त हैं तो उस वीडियो को एक लाइक जरूर करें और दोस्तों कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से जय संकट मोचन लिख दें, महाबली हनुमान जी का सदैव आशीर्वाद प्राप्त होगा, आपके जीवन काल में संकट का काया नाश करेंगे। तो आइए दोस्तों बात करते हैं, शुरुआत करते हैं बहुत ही महत्वपूर्ण वाणी से, बहुत ही महत्वपूर्ण ज्ञान से, जो कि दोस्तों आप सभी के जीवन काल में चल रही समस्याओं का समाधान है। तो दोस्तों हमारा आप सभी से विनती है कि इन बातों को भी आप बहुत ही ज्यादा गौर से सुनिएगा कि दोस्तों भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि तूने मुझ पर विश्वास ही नहीं किया, मैं तो तुझे बार बार मिलता रहा और जगाता रहा, तू जानता तो है कि मैं सर्वत्र हूँ पर मानता बिल्कुल नहीं, मैं अब भी तेरे पास हूँ, बस जरूरत है तेरे निस्वार्थ प्रेम और अटल विश्वास की, तेरे हृदय की धड़कन भी मैं हूँ, तेरी चलती हुई श्वास भी मैं हूँ, तू जो भी देखता है वह मैं ही हूँ, तू जो भी सुनता है वह मैं ही हूँ, बस एक तू है और बस एक मैं हूँ, दूसरा कोई नहीं, आप मुझ पर विश्वास करके तो देख, तुझे बस मैं ही दुखूंगा और कुछ भी नहीं। जी दोस्तों, दोस्तों आप भी अपने जीवन काल में भगवान श्री कृष्ण का स्मरण कीजिए, भगवान श्री कृष्ण का गुणगान कीजिए कि दोस्तों भगवान श्री कृष्ण के आशीर्वाद से आप सभी के जीवन काल में जो भी घटनाएं होती हैं इनका सर्वप्रथम हाथ रहता है। तो दोस्तों जब भी आपके कार्यों में विफलता की प्राप्ति हो, जब भी आप टेंशन चिंताएं में रहें, तो दोस्तों वश में ईश्वर का स्मरण करना आपका दायित्व होता है, इनसे दोस्तों आपके सभी समस्याओं का समाधान आपको प्राप्त होगा। जी दोस्तों, तो दोस्तों अगर आपको यह बातें अच्छी लगी हो या बातों को आप समझ पाए हैं तो दोस्तों वीडियो को एक लाइक जरूर करें और इनके लिए कमेंट बॉक्स में सच्चे हृदय भाव से लिख दिए जय श्री राधे कृष्णा। तो आइए दोस्तों इसके साथ बात करते कि आने वाले 7 दिनों में महाबली हनुमान जी के आशीर्वाद से और ग्रहों की बदलती चाल आप सभी के जीवन काल में कौन कौन सी बड़ी खुशखबरी आपको देने वाले हैं। दोस्तों यश में आर्थिक योजनाओं को फलीभूत करने का उचित समय होगा। दोस्तों यश में कोई भूमि खरीद प्रोक्ष संबंधी जो काम यश में संपन्न हो सकते हैं, सामाजिक गतिविधियों के प्रति आपका योगदान आपको इसमें मानसिक सुकून प्रदान करेगा और दोस्तों यश में आपका इसमें मान सम्मान भी बढ़ेगा। दोस्तों यश में अगर आपकी सावधानी को लेकर बात करें तो दोस्तों मित्रों या फिर नैतिक संबंधों की गतिविधियों से अनभज्ञ ना रहे, दोस्तों ये लोग आपके खिलाफ कोई गलत योजना या फिर अफवाह फैला सकते हैं। दोस्तों अपनी महत्वपूर्ण योजनाओं को किसी के साथ यश में शेयर ना करें तथा फिजूल खर्ची पर यश में नियंत्रण रखना आपके लिए आवश्यक होगा। इसके उपरांत दोस्तों यश में आपके लिए जो समय होंगे, दोस्तों आप पर बना काम का तनाव यश में बढ़ सकता है जिसकी वजह से छोटे कामों में भी आपके निर्णय सही नहीं होंगे। दोस्तों निर्णय लेते समय किसी के साथ निर्णय के बारे में चर्चा करना आपके लिए उचित रहेगा। दोस्तों आपकी तकलीफ को मिटाने के लिए जो है विविध मार्ग प्राप्त होने की वजह से कन्फ्यूजन भी यश में बढ़ सकता है। दोस्तों व्यक्तिगत बातों में अधिक परेशानियां भी रहेंगी। इसके उपरांत दोस्तों यश में आपके लिए जो समय होंगे, आपके दिनचर्या के लिए जो समय होंगे, दोस्तों आपके लिए बेहतरीन धनदायक परिस्थितियां भी बनी हुई है। पूरे आत्मविश्वास के साथ अपने जो है साथियों की नीतियों पर काम करें, ये आपके लिए बेहतर होंगे। दोस्तों यश में आपकी आर्थिक नीतियां जो है बहुत ही अच्छी रहने वाली है। दोस्तों यश में अपनी किसी नकारात्मक बात को जो है छोड़ने का संकल्प ले लें,
ये आपके लिए बेहतर होंगी। विद्यार्थियों के करियर संबंधी किसी समस्या का यशमय समाधान होने से घर में खुशी भरा वातावरण रहेगा। इसके उपरांत दोस्तों यह समय अपनी क्षमताओं का भरपूर उपयोग करने का समय होगा, इसलिए दोस्तों यह समय दोस्तों के साथ अथवा आलस की वजह से अपना समय को व्यर्थ ना करें, ये आपके लिए बेहतर होंगे। दोस्तों अगर किसी प्रकार की ऋण संबंधी लेन देन की बात चल रही है तो दोस्तों उसे यह समय स्थगित रखने में ही आपकी भलाई होगी। इसके उपरांत दोस्तों यह समय विदेश में पढ़ाई कर रहे विद्यार्थी या फिर काम करने वाले लोगों को उचित अवसर भी प्राप्त होंगे, जिन अवसर का आपको काफी दिनों से इंतजार था। दोस्तों उस अवसर के बारे में कुछ ना कुछ प्रगति यश में दिखेगी। प्रॉपर्टी संबंधी निर्णय लेना आपके लिए यश में कठिन हो सकता है, लेकिन दोस्तों आपको मिल रही आर्थिक मदद की वजह से निजी भविष्य में आपको प्रॉपर्टी के मामलों में प्रगति दिखेगी। इसके बाद दोस्तों यह समय आपके लिए जो समय होंगे, आपके दिनचर्या के लिए जो समय होंगे, दोस्तों भावनात्मक के बजाय चतुराई और विवेक से काम लेना परिस्थितियों को आपके पक्ष में करेगा। तथा दोस्तों घर के बड़े बुजुर्गों का भी आशीर्वाद और फिर सहयोग यश में आपको मिलेगा। बच्चों की किलकारी से संबंधित कोई शुभ समाचार भी यश में मिल सकती है। साथ ही दोस्तों किसी अटके हुए कार्य को पूरा करने का भी यह समय उचित समय होगा। परंतु दोस्तों यह समय योजनाओं को क्रियान्वित करने से पहले भली भांति उस पर विचार कर लें, बेहतर होगा कि किसी अनुभवी व्यक्ति की भी आप सलाह ले लें। दोस्तों कुछ जो है प्रतिद्वंदी आपके लिए परेशानियों का कारण बन सकते हैं, उनकी गतिविधियों को यह समय नजरअंदाज न करें, ये आपके लिए बेहतर होंगे। इसके उपरांत दोस्तों यह समय कुछ बातों में जरूरत से ज्यादा या फिर जरूरत से अधिक वक्त लगने से इनकी वजह से आपका संयम भी खत्म हो रहा है। दोस्तों जिनकी वजह से आप गलत निर्णय ले सकते हैं। दोस्तों जीवन में बड़ा बदलाव दिखने के लिए जो है फिलहाल आपको इंतजार करना ही पड़ेगा। अभी दोस्तों वक्त आपके पक्ष में उतना नहीं है जितना आप सोच रहे हैं, इसलिए दोस्तों दूर की सोच रखकर निर्णय ना लें, ये आपके लिए बेहतर होंगे। इसके उपरांत दोस्तों यह समय स्थान परिवर्तन संबंधी कोई भी योजना को कार्य रूप में परिणित करने की संभावना है वो होगी। दोस्तों आपका संतुलित व्यवहार आपको जो है शुभ और अशुभ प्रत्येक परिस्थिति में सामंजस्य बनाकर रखने में मदद करेगा। किसी नजदीकी मित्र की सलाह आपके लिए बहुत ही उपयोगी यह समय साबित होगी। इसके उपरांत दोस्तों यह समय किसी भी गलत बात पर गुस्सा जाहिर करने की बजाय जो है सूझबूझ से काम लें, अन्यथा दोस्तों परिस्थितियों और अधिक आपके खिलाफ हो सकती है। घर के बुजुर्गों के स्वास्थ्य को लेकर किसी प्रकार की यह समय लापरवाही ना बरतें, उन्हें यह समय उचित देखभाल की जरूरत होगी। इसके उपरांत दोस्तों यह समय आपके लिए जो समय होंगे, आपके दिनचर्या के लिए जो समय होंगे, काफी दिनों के बाद मित्र परिवार के साथ मिलने की वजह से मन जो है आनंदित रहेगा। फिलहाल दोस्तों आपके प्रयत्न को योग्य यश नहीं मिल रहा है, फिर भी दोस्तों आप प्रयत्न करना ना छोड़ें। परिस्थिति में अचानक से सकारात्मक बदलाव देख सकता है और दोस्तों घर के व्यक्तियों द्वारा आपको पूरा समय सहयोग प्राप्त होगा। वही दोस्तों यश में अगर आपकी करियर को लेकर बात करें तो दोस्तों यश में काम को आखिरी वक्त तक पूरा न कर पाना आपकी चिंता बढ़ा सकती है, लेकिन दोस्तों काम में अचानक से सकारात्मक बदलाव भी दिखेगा जिनसे दोस्तों आपका मन भी यश में प्रसन्न रहेगा। इसके बाद दोस्तों यश में आपके व्यवसाय के लिए जो समय होंगे, दोस्तों यह समय प्रभावशाली लोगों के साथ संबंधों को खराब न होने दें, क्योंकि दोस्तों इनका असर जो है आपके व्यावसायिक गतिविधियों पर भी पड़ सकता है। दोस्तों यह समय कार्य प्रणाली में कुछ बदलाव लाने की आवश्यकता होगी। ऑफिस में भी दोस्तों कार्यभार की आपके अधिकता रहेगी और इनकी वजह से आपको यश में ओवर टाइम भी करना पड़ सकता है। इसके उपरांत दोस्तों यश में आपके करियर के लिए जो समय होंगे, दोस्तों व्यवसायिक स्थितियां और अधिक बेहतर हो रही है, लेकिन दोस्तों अभी आप कहीं पर भी पेशा निवेश ना करें, क्योंकि दोस्तों धोखाधड़ी में फंसने की आशंका बन रही है। परंतु दोस्तों कार्यस्थल में उत्पादन क्षमता में कोई कमी नहीं आएगी, ऑफिस के स्टाफ में किसी तरह की राजनीति भी चल सकती है, सावधान रहें, ये आपके लिए बेहतर होंगे। इसके उपरांत दोस्तों यह समय आपके करियर के लिए जो समय होंगे, दोस्तों किसी प्रभावशाली व्यक्ति की मदद से आपकी व्यावसायिक परेशानी यश में हल होंगी। परंतु दोस्तों अपने ऑफिस या फिर दुकान के स्टाफ पर कड़ी नजर रखें, उनकी जो है मिली भगत से कुछ नुकसान भी यशमय हो सकता है। दोस्तों यशमय कार्य क्षेत्र से जुड़े सभी फैसले आप स्वयं ही लें तो आपके लिए बेहतर होंगे। इसके उपरांत ही दोस्तों यशमय आपके करियर के लिए जो समय होंगे, आपके व्यवसाय के लिए जो समय होंगे, दोस्तों कार्य संबंधी कोई लाभदायक यशमय यात्रा भी होंगी। भविष्य संबंधी किसी महत्वपूर्ण कार्य की रूपरेखा भी यशमय बन सकती है। दोस्तों आय के मार्ग अभी मंद ही रहेंगे, परंतु दोस्तों वर्तमान गतिविधियों का शुभ परिणाम आपको निकट भविष्य में जल्दी ही प्राप्त होगा। इसके बाद दोस्तों यह समय अगर आपकी लव लाइफ को लेकर बात करें तो दोस्तों यह समय घर में खुशनुमा माहौल रहेगा। दोस्तों अपने प्रत्येक कार्य में जीवन साथी की सलाह लेना दोनों के संबंधों को और अधिक मजबूत करेगा, तो दोस्तों इन पर आप ध्यान दें। इसके उपरांत दोस्तों यश में आपके लव लाइफ के लिए जो समय होंगे, दोस्तों पति पत्नी के बीच किसी अन्य व्यक्ति के हस्तक्षेप की वजह से तनाव भी आ सकता है। ध्यान रखें कि घर की बात बाहर ना निकालें, ये आपके लव लाइफ के लिए यह समय बेहतर होंगे। इसके उपरांत दोस्तों यश में आपके लव लाइफ के लिए जो समय होंगे,
दोस्तों परिवार में सुख शांति का माहौल भी रहेगा। परंतु दोस्तों प्रेम संबंधों को मजबूत बनाए रखने के लिए एक दूसरे पर विश्वास रखना जरूरी होगा। दोस्तों अंधविश्वास आपके संबंधों को यश में तोड़ सकता है। इसके उपरांत दोस्तों यश में आपके लव लाइफ के लिए जो समय होंगे, दोस्तों दाम्पत्य जीवन भी यश में सौहार्दपूर्ण रहेगा। परिवार में जो है डिसिप्लिन बनाकर रखना आपका दायित्व रहेगा यशमय। इसके उपरांत दोस्तों यश में अगर आपकी स्वास्थ्य को लेकर बात करें तो दोस्तों यश में स्वास्थ्य ठीक रहेगा। किसी किसी समय नसों में खिंचाव जैसी दिक्कत भी आपको महसूस हो सकती है। दोस्तों यश में इसके उपरांत आपके स्वास्थ्य के लिए जो समय होंगे, दोस्तों ब्लड प्रेशर और फिर डायबिटीज लोग अपने विशेष ध्यान रखें। व्यायाम और जो है सैर करने में आपका उचित समय लगाएं, ये आपके स्वास्थ्य के लिए बेहतर होंगे। इसके उपरांत दोस्तों यश में आपके स्वास्थ्य के लिए जो समय होंगे, दोस्तों जोड़ों में दर्द व फिर गैस जैसी परेशानी रहेगी। तली भुनी व फिर बादी वाली चीजों का सेवन यश में ना करें, ये आपके स्वास्थ्य के लिए बेहतर होंगे।